स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। गदरपुर के गुलर भोज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में सिंचाई विभाग के पेड़ जनता के लिए सिरदर्द साबित हो रही है, जिसके कारण कई सालों से लोग मौत के साए में अपना जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। कई बार आंधी तूफानों के समय घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो कई बार आंधी तूफानों में पेड़ गिरकर लोगों के घरों को धराशायी कर देते हैं, जिससे नाराज होकर स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द पेड़ कटवाने की मांग की है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। हमारे यहाँ जो है पेड़ की समस्या कई सालों से आज कटवाऊंगा कल कटवाऊंगा काटे नहीं। उस बात जो एक पेड़ हल्लू के पेड़ गिरा था हमारे पास दिन में, वो तो बच्चे बच गए बाल बाल के लिए। मगर हमारी ये कहना है कि हमारे ये पेड़ जल्दी कटवाए जाए, नहीं बच्चे पूरी खतरा है लेंटर टूटने का डर है। का बीजे में है ना, ये पेड़ काट दो, हम लोग का खतरा है। एक बुढ़िया का ये देखो घर टूट गया, वो भी तो बाज गया, उनको तो लड़का है नहीं, दो लड़की है। एक साल से हमने जेई से लेके और सिंचाई विभाग के एक्शन तक हमने एप्लीकेशन दी और SDM के माध्यम से हमें एप्लीकेशन दी कि इन लोगों को आए दिन आधी तूफान में जान माल का खतरे का सामना करना पड़ता है कि इन पेड़ों को जल्द से कटाया जाए। इससे कई लोग इसकी जद में आए हैं और पिछले साल ही एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है कि उनके घर के ऊपर पेड़ गिर गया था, लेकिन प्रशासन और शासन इस बात को लेकर बिल्कुल कतई भी गंभीर नहीं है कि किसी की जान भी जा सकती है। गुलर भोज वार्ड नंबर 4 में सिंचाई विभाग की 3 एकड़ की भूमि है जो कि उनके कब्जे में है, उनके नाम में नहीं है। और कई बार शासन से प्रशासन से हम कह चुके हैं कि आंधी बरसातों के टाइम पे आंधी चलती है तो पेड़ गिरते हैं, लोगों के छप्पर टूटते हैं, घर टूटते हैं, और एक घटना पहले भी हो चुकी। और अभी 2 महीने पहले जो है हमने DM साहब को एक लेटर दिया इसके बारे में, और उसकी जाँच के लिए पूरी जाँच के लिए SDM महोदय वाजपेयी जी को लिख दिया गया है। और वाजपेयी जी से हमारी वार्ता होती रहती है कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी शीघ्र ये पेड़ों को जो है वन विभाग वालों से कटवा लूं। विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजा जहाँ देश भर में कल बड़े धूमधाम से मनाया गया, वहीं दिनेशपुर क्षेत्र में विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजा कल ना करके आज किया जा रहा है, जिसके चलते दिनेशपुर क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों व आईवा ग्रुप द्वारा बड़े धूमधाम से विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजा किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी व आम लोग पहुंचकर विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर विद्या की कामना करते हैं। आपको बताते चले कि दिनेशपुर क्षेत्र में विद्या की देवी मां सरस्वती का पूजा कल की जगह आज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मां सरस्वती का पूजा विद्यार्थी लोग नहीं कर पाए, जिसलिए विद्यार्थी लोग आज बड़े धूमधाम से सज धज कर माँ सरस्वती देवी को सजाकर उनकी मूर्ति के समक्ष पूजा अर्चना कर अंजलि देकर माँ सरस्वती के विद्या की कामना कर प्रसाद वितरण किया गया। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की रिपोर्ट। छोड़ी थी जिस वजह से हम घर से निकल नहीं पाए, इसी कारण आज हमारे स्कूल में पूजा मनाया जा रहा है। हमें मतलब विद्या बुद्धि सब कुछ मिले अच्छी तरीके से। कल बरसात था इसलिए कल सरस्वती पूजा नहीं हो पाई, आज हो रहे हैं। इस बार 2 दिन पूजा होने का 2 कारण है। एक कारण हमारा जो ये पूजा होता है ये माघ मास के शुक्ला पक्ष के पंचमी तिथि में होता है। तिथि पिछले कल 9 बजे के बाद था और आज 11 बजे तक था, तो अधिकतर जो है लोग कल का ही दिन रखे थे, लेकिन कल जो बारिश हुई बहुत ज़्यादा मौसम खराब था, इस कारण जो है कल कई जगह पोस्टपोन करके आज 11 बजे तक माता रानी का पूजा किया गया है। हमारे भी कई परिवार ऐसे हैं जो शिक्षा प्राप्त किया, एजुकेशन लिया, बड़ा बड़ा सर्विस किया, लेकिन जो है वो अपने परिवार को नहीं मानते, नहीं जानते, शादी के बाद कई रूप उनका देखने को मिलता है, लेकिन वास्तविक सरस्वती देवी जो है वो विद्या बुद्धि का ज्ञान देने वाली है, इसलिए इनको कुछ और तरीके से पूजना चाहिए, वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए, माँ बाप से हो, गुरुजी से हो, ब्राह्मणों से हो, वो सीख के शिक्षा ही नहीं ज्ञान भी अर्जन करना चाहिए। सूरत के वेसु विस्तार में अटलांटिका बिजनेस हब में सूरत महानगर पालिका द्वारा दुकानों में सील करा गया। दुकान के व्यापारियों द्वारा जानकारी मिली कि दलाल ने 24,000 रुपए में एक साल का भाड़ा नक्की हुआ
सभी व्यापारियों ने एक साल का भाड़ा पूरा भर दिया और अपने दुकान चालू कर दिए। फिर जैसे ही 3-4 महीना बीता तो सूरत महानगर पालिका द्वारा दुकानों में सील मारा गया, जिसमें दुकान के व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई और सब एक जगह इकट्ठा होकर इसकी समस्याओं का निवारण के लिए विचार करने लगे। तत्पश्चात जैसे ही बिल्डिंग के मालिक को जानकारी मिली तो घटना स्थल पर पहुँच कर मामले को शांत कराने की कोशिश में लग गया। सूरत से हमारे संवाददाता सुरेश यादव की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? राजेश जालान। अच्छा, ये कौन सी जगह पे आप खड़े हो? ये वेसू में अटलांटा बिजनेस हब करके मार्केट है। अच्छा, उस पे क्या हुआ था? ये हम लोगों को जुलाई में और अगस्त में कुछ ब्रोकर लोगों ने, करीब 5 ब्रोकर थे और बिल्डर से बात करके उन लोगों ने ये नक्की किया था कि 24 ब्रोकर में अमित भाई, अक्षय भाई, मोन्टू भाई, सतीश पटेल और किनेश भाई, मनीष भाई। तो बिल्डर में रमेश भाई थे और उनका एक स्टाफ, रमेश भाई का पूरा नाम रमेश पटेल है शायद, उसके साथ में नक्की किया था कि ये सारे मार्केट की दुकानें अपने उठाएंगे 2,000 रुपये भाड़े में, मतलब 24,000 रुपये साल का एक साथ आप लोगों को भर देना है, जिसमें वेरा और मेंटेनेंस आ गया है। इसके अलावा आप लोगों को पूरे साल में 1 रुपये भरना नहीं है, दुकान चालू करो आपको अपना लाइट बिल भरना है पर्सनल। ये बातें करके उन्होंने ये पैसा एक साथ में ले लिया था 24,000 और दुकानें उस टाइम उठाई थी। कई लोग इसमें सितंबर से बैठे हैं और कई लोग अक्टूबर में आए हैं, लेकिन उन लोगों ने 1 सितंबर से इसका गिनना शुरू कर दिया है टाइम, और 30 अगस्त तक का टाइम गिन रहे हैं 11 महीने के हिसाब से। ये बातें हुई थी, आज ये लोग बोल रहे हैं एसएमसी वाले सील लगाने आए, तो आज ये लोग बिल्डर से बात हुई तो बिल्डर ने उनको बुला के ब्रोकर लोगों को बोला कि भाई जब ये बात हुई थी कि तुमको ये भरना है वेरा बिल तो तुम लोग भरो, लेकिन उस टाइम तो ब्रोकर लोगों बोले ठीक है, लेकिन बाद में बोलते हैं कि मेरा भरना नहीं होगा, हम लोगों का बिल्डर भरेगा। तो ये दोनों के डिस्प्यूट में हम सभी दुकान वाले आपस में तकलीफ पा रहे हैं और हमारी दुकानों में सील लग गई है। ये करीब सभी दुकानों में करीब करीब सील मार दिया है। लगभग कितने दुकान हो इसमें? मार्केट में 350 लगभग दुकानें हैं, जिसमें से आप समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा दुकानों में ये स्कीम हुई थी और इसमें 50% से ज़्यादा दुकानों में सील मार दी गई है। अच्छा, अभी आपकी मांगनी क्या है? हमारी ये मांगनी है कि हमारी जो बातें हुई थी, जो हमारा कमिटमेंट था कि इसमें वेरा बिल और सब कुछ आ गया है और आपको 1 भी रुपये भरना नहीं है, तो वो हमारा वेरा भर के हमारी दुकानें खुलवा दें, जो सारे व्यापारियों के हित में है। अच्छा, आपके पास कोई पुरावे है? इसमें कोई उन्होंने प्रूफ दिया नहीं था, उन्होंने बोला कि हम आपको रेंट का कोई एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि रेंट हमने लिया नहीं है, हमने मेंटेनेंस और वेरा पे का पैसा लिया है, वो आपको एक हम लिख के दे देंगे एग्रीमेंट, लेकिन आज तक उन्होंने वो भी कोई लिख के दिया नहीं है। इधर आओ। एग्रीमेंट का भी पैसा ले लिए वो लोग? एग्रीमेंट का 1,000 रुपये और मांगा था, वो भी सारे लोगों ने भर दिया है, लेकिन उसका भी कोई निकाल वो लोग कर नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी आप आगे क्या कार्यवाही करना चाहते हो बिल्डर? आगे हमारे हित में, व्यापारियों के हित में जो भी होगा, हमने बिल्डर से रिक्वेस्ट कर ली है और बिल्डर को बुला के बात कर ली है, बिल्डर ने जो ब्रोकर थे उनका प्रतिनिधि को बुला के उससे भी बात कर ली बिल्डर ने, और क्लियर बोल दिया है कि भाई आप इसका पैसा भरो, लेकिन तो आप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। हम सब कुछ करने को, व्यापारियों के हित में जो भी है हम करने को तैयार हैं, वकील की सलाह या एफआईआर जो भी होगा हम करेंगे। प्रमुख समाचार पर, जिला बरेली के तहसील मीरगंज के डाक खाने पर आधार कार्ड संशोधन के लिए लोगों की भीड़ जमा होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने बताया कि एक दिन में सिर्फ 40 आधार कार्ड संशोधन किए जाते हैं। बरेली से हमारे संवाददाता प्रेम पाल की रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? सुखवीर गुप्ता। ये आधार कार्ड यहाँ पर कब से बन रहे हैं? 13 जनवरी से शुरू हो गया है फिर से। अच्छा, एक दिन में आप कितने आधार कार्ड बनाते हैं? लगभग 40 बना देते हैं। लगभग 40 बनाते हैं, और ये कंटिन्यू चल रहा है कि बीच में छुट्टी वगैरह चल रही है? कंटिन्यू चल रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सिस्टम की प्रॉब्लम है तो वो अलग बात। अच्छा, जनता को जो सेवा है वो कब तक आप देंगे? अरे साहब, हमारा तो ये सर्विस है, जब तक चलता रहेगा चलेगा। अच्छा, चलता रहेगा। तो आधार कार्ड संशोधन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह कितने बजे ऑफिस खुलता है? सुबह 9 बजे ऑफिस खुलता है। 9 बजे शाम तक? शाम को तो वैसे तो 5 बजे तक ड्यूटी है, लेकिन उसके बाद जो है इसे हिसाब किताब मिलाना होता है। अच्छा अच्छा, ओके। और ये कब तक चलेगा लगभग? ये कार्य तो ये है, जनता के ऊपर है, जब तक जनता आती रहेगी तो हमें तब तक आप इसको करेंगे चलाते हैं। देखिए, अभी मैं मीरगंज ऑफिस में आपका हेड ऑफिस में खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा
मात्रा में लोग आए हुए हैं, सुबह काफ़ी जल्दी से लाइन लगाए हुए हैं और फास्ट न्यूज इंडिया से मैं आपके साथ प्रेम। औरंगाबाद के सूर्य नगरी देव में अतिक्रमित स्थानों से लोगों को अतिक्रमण हटाने को लेकर दी गई समय सीमा की समाप्ति के बाद औरंगाबाद के सदर एसडीओ प्रदीप कुमार आज देव पहुंचे और सभी अतिक्रमित स्थानों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान देव प्रखंड के सीओ अरुण कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। एसडीओ ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, लोग खुद से अपने घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के द्वारा खुद से अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा उन्हें प्रशासन द्वारा जेसीबी से तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। औरंगाबाद से हमारे संवाददाता वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। अतिक्रमण को लेकर देख रहे हैं लगातार कार्रवाई की जा रही है, सभी लोगों को नोटिस दिया जा चुका है, बहुत सारे जो लोग हैं खुद से भी अपने घर को तोड़ रहे हैं और अतिक्रमण हटा रहे हैं। जिन लोगों के द्वारा नहीं तोड़ा जाएगा खुद से उनको जेसीबी लगाकर प्रशासन द्वारा तोड़ा जाएगा और जो भी खर्च आएगा उनका वसूली संबंधित जो भी मकान मालिक हैं या रहिया तो उनसे किया जाएगा। ये थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।